हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ऑनलाइनसाइट दोस्तों हम आज बात करेंगे सोलर रेडिएशन सन एज अ फ्यूजन रिएक्टर और उससे संबंधित टॉपिक्स जिसमें कि हम लोग बात करेंगे सन एज अ ब्लैक बॉडी फिर बात करेंगे एक्स एक्स टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में दोस्तों पहले हम लोग बेसिक इसका समझते हैं कि सोलर रेडिएशन क्या है और किस तरह से इसका यूटिलाइजेशन है तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि सन हमारा क्या है सन इज़ द प्राइमरी सोर्स जहाँ से हमें सोलर एनर्जी मिलती है और सन एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है सोलर रेडिएशन की जब हम बात करते हैं तो सोलर रेडिएशन इज़ अ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय द सन तो सन अब क्या कर रहा है सन हमारा सन सोलर रेडिएशन इज़ अ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय द सन पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी तो कौन सी एनर्जी मिलनी रही है यहाँ पर हमें दे सकते हैं इलेक्ट्रो मैग्निक एनर्जी अंडर द फॉलोइंग सब हेड्स वी सैल द डिस्कस द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इलेवन टू दोलर रिएशन तो जो इलेक्ट्रोमैग्निक एनर्जी मिल रही है वो किस तरह से हम इसका इंट्रेशन कर कर सकते हैं इसको हम लोग आगे बात करके देखेंगे तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है दैट यू सन एज अ फ्यूजन रिएक्टर सन को हम लोग यहाँ पर एज अ फ्यूजन रिएक्टर एक्सप्लेन करेंगे फॉर ऑल द पार्ट प्रैक्टिकल पर्पज द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इट इज अ स्पेयर ऑफ इंटेंसियसली हॉट गैसेस मैटर एंड इट इज अ फ्यूजन रिएक्टर तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देखिएगा दैट इज अ फ्यूजन रिएक्टर है आपका फ्यूजन रिएक्टर और इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ इट्स रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन टू फोमो हीम तो दोस्तों यहाँ पर रिमेंबर आपको क्या ध्यान रखना है ध्यान रखना ये है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ इट्स रिएक्शन इस कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन टू फॉर्म आ हीम इसको लीजिए दोस्तों हाइड्रोजन टू फॉर्मा हीलियम दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड द डिफरेंस इन द मास बिंग कन्वर्टेड टू एनर्जी तो यहाँ पर मास जो है वो आपका कन्वर्ट हो जा रहा है एनर्जी के फॉर्म में तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो आपकी क्या है हाइड्रोजन टू फॉर्म आ हीम नेक्स्ट दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द इंटीरियर ऑफ द सोलर स्पेयर एट द टेम्परेचर ऑफ़ मैनी मिलियंस ऑफ डिग्रीज एंड द एनर्जी इज़ ट्रांसफेरेंट टू द सर्फेस ऑफ द सन बाय रेडिएशन एंड कन्वेक्शन तो यहाँ पर हम मीट में सकते हैं रेडिएशन एंड कन्वेक्शन एंड दिस सर्फेस इज़ अ ऑपिक तो यहाँ पर सर्फेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए ऑपिक ये आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया आपका कि जो रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ हीलियम एंड सेकेंड दैट इज सन जो प्रोसेस है surface टू द सन बाई रेडिएशन एंड convection एंड सर्फेस कैसा होना चाहिए opaque होना चाहिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सन एज अ ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर सन को यहाँ पर एज अ ब्लैक बॉडी फॉर द फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज सन मे बी कंसिडर्ड बाई अ रेडिएटिंग एनर्जी एज अ ब्लैक बॉडी फॉर एन इफेक्टिव टेम्परेचर एट सिक्स थाउजेंड कैलविन तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है सिक्स थाउजेंड कैलविन एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ द वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन एंड स्ट्रेच फ्रॉम जीरो पॉइंट टू नाइन टू फोर पॉइंट सेवन फाइव मी यू एम जीरो पॉइंट टू नाइन टू फोर पॉइंट सेवन फाइव मी यू एम है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई टेम्परेचर द मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी इज फाउंड टू बी अ वेव लेंथ ऑफ जीरो पॉइंट फाइव मी यू एम तो यहाँ पर हमें जो रेडिएशन की मिल गई है वो है जीरो पॉइंट फाइव म्यू एम फर्दर आगे बढ़ते हैं तो जो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट होता है वो हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है एंड द अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू द सन ऑन जनवरी वन एंड रीमोस्टेड फ्राम इट ऑन जुलाई वन तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटा जो मिला हमें कि वन जनवरी एंड वन जुलाई

तो यहाँ पे आपको डेटा मिलता है जो और इससे रिजल्ट जो मिलता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन है आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन अकॉर्डिंगली द अर्थ रिसीव सेवन परसेंट मोर रेडिएशन इन जनवरी देन जुलाई तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो दिस जो बेसिक था यहाँ पर कि जो इंटेंसिटी है सोलर रेडिएशन की वो आउटसाइड साइड एटमॉस्फेयर वैर इज इनवर्सली विद स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन तो रिजल्ट दैट इज ये सन अकॉर्डिंगली द अर्थ जो रिसीव करेगा सेवन परसेंट मोर रेडिएशन फ्रॉम जनवरी दैन जुलाई सेवन परसेंट मोर कंपेयर टू जनवरी दैन जुलाई एंड द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिल्ड ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिट बिटवीन द सन कितना होगा दोस्तों ध्यान रखिएगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री द अर्थ एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज टिल ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन एज सोल फिगर तो यहाँ पर हम डायग्राम भी दे सकते हैं दिस इज द डायग्राम ऑफ अर्थ पोजिशन विद रिस्पेक्ट ऑफ सन ड्यूरिंग द समर एंड विंटर दिस इज द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन यहाँ पे आप दे सकते हैं दिस इज द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अबाउट द सन

तो ये हमें पता चलता है कि जो अर्थ एक्सिस रोटेशन है टिल्ड 23.5 थ्री पॉइंट फाइव डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिट अराउंड द सन जैसे कि हम डायग्राम में दे सकते हैं और जो एंगल ऑफ टिल्ड इज स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोलिटेशन ओवर द अर्थ सर्फेस तो नेक्स्ट दैट इज एक्सट्रा टेरिस्टल रेडिएशन क्या है और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द फॉर्मूला आई नॉट इज कल टू वन थ्री सिक्स सेवन स्टार आर ए वी स्लैस आर का होल स्क्वायर डब्लू पर मीटर स्क्वायर क्या इंडिकेशन कर रहा है कि जो सोलर रेडिएशन इंसिडेंट आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर है वो कहलाता है एक्स्ट्रा डरिटल रेडिएशन तो यहाँ पे आप देखिए कि सोलर रेडिएशन इंसिडेंट आउटसाइड द अर्थ आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर वो माना कहलाएगा एक्स्ट्रा रेडिएशन और ऑन एवरेज द एक्स्ट्रा टेरिस्टल एक्स्ट्रा टेरिस्टल इेडिएशंस इज वन थ्री सिक्स सेवन वाट्स पर मीटर स्क्वायर तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो ऑन एवरेज एक्स्ट्रा टेरिस्टल इ रेडिएशंस इज वन थ्री सिक्स सेवन वाट पर मीटर स्क्वायर एंड द वैल्यू फेरीज प्लस माइनस थ्री परसेंट एज सच एज द अर्थ ऑर्बिट द सन एंड द अर्थ क्लोजेस्ट अप्रोच टू दन अकर्स around January 4th and it is furthest move from the sun around July 5th and the exciter region is I naught is equal to 1367 star R A V slash R ka whole square for what per meter square जहाँ पर आर ए वी क्या है आर ए वी हमारा है मीन सन अर्थ डिस्टेंस ध्यान रखिएगा आर ए वी क्या है मीन सन अर्थ डिस्टेंस एंड आर क्या है आर इज द एक्चुअल सन अर्थ डिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द डे ऑफ द ईयर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग तो दिस इज द दा डायग्राम यहाँ पर आप, आप देख सकते हैं पोजिशन दिस इज द पोजिशन दिसंबर मार्च जून एंड सितंबर. तो अगर बात की जाए मार्च 21 जून इक्कीस सप्तम्बर बाईस दिसंबर बाईस तो दिस इज द पोजिशन एंड एंगल यहाँ पे देखते सकते ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव तो द अर्थ एक्स इज स्टिल्ड अप्रॉक्सिमेली ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन जैसे कि मैं यहाँ पे बात की थी एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन द एक्सिस इज अ फिक्सड इफ यूड फ्राम स्पेस यहाँ पे हमने ये जो डाइग्राम यहाँ पर देख सकते विद द स्पेस इन द जून

इक्वीनोक्सिस द अर्थ एक्सिस इज पैरपेंडिकुलर टू द इमेजनरी लाइन ड्रॉन बिटवीन द अर्थ एंड द सन एज अ व्यू फ्रॉम द अर्थ द सन इज द हायर इन द स्काई ड्यूरिंग समर एंड लोअर इन द स्काई एज अ विंटर अप्रोच तो यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है एज अ व्यू फ्रॉम द अर्थ सन इज द हायर इन द स्काई ड्यूरिंग द समर एंड लोअर इन द स्काई इन द लोअर द इन द स्काई एज अ विंटर अप्रोच नोट दैट इज समर इन द नॉर्थन हेमिसफेयर इज विंटर इज द साउथन हेमिसफेयर एंड वाइसी वर्सा तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो समर नोट दैट इज समर इन द नॉर्थन हेमिसफेयर इज विंटर एंड एंड सौथर्न हेमिसफेयर एंड वाइसी वर्सा दिस द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो हम लोगों ने बात करी सोलर रेडिएशन के बारे में सन एज अ फ्यूजन रिएक्टर के बारे में फिर हमने बात करी सन एज अ ब्लैक बॉडी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फिर उसके अर्थ पोजिशन रिस्पेक्ट टू सन ड्यूरिंग समर एंड विंटर फिर एक्स्ट्रा टेरिस्टल रेडिएशन के बारे में और फिर इक्वेशंस के बारे में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग